मुझे नहीं लगता कि आज के बच्चे यह जानते हो कि पल्लू क्या होता है। इसका कारण यह है कि आजकल की माताएं अब साड़ी नहीं पहनती हैं, पल्लू बीते समय की हो चुकी है। माँ के पल्लू का सिद्धांत माँ को गरिमा माई छवि प्रदान करने के लिए था, लेकिन इसके साथ ही यह गर्म बर्तन को चूल्हा से हटाते समय गर्म बर्तन को पकड़ने के काम भी आता था। पल्लू की बात ही निराली थी। पल्लू भी कितना ही लिखा जा सकता है, साथ ही पल्लू बच्चों का पसीना, आंसू पोंछने, गंदे कानों, मुंह की सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। माँ इसको अपना हाथ तौलिया के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती थी। खाना खाने के बाद पल्लू से मुंह साफ करने का अपना ही आनंद होता था। कभी आंख में दर्द होने पर माँ अपने पल्लू को गोल बनाकर फूंक मारकर गर्म करके आंख में लगा देती थी। सब दर्द उसी समय गायब हो जाता था। माँ की गोद में सोने वाले बच्चों के लिए उसकी गोद, गद्दा और उसका पल्लू चादरे का काम करता था। जब भी कोई अनजान घर पर आता या कोई मेहमान घर पर आ जाते तो उसको माँ के पल्लू की ओट लेकर देखते थे। जब भी बच्चे को किसी बात पर शर्म आती थी वो पल्लू से अपना मुंह ढककर छुप जाता था, और जब बच्चों को बाहर जाना होता तब माँ का पल्लू एक मार्गदर्शक का काम करता था। जब तक बच्चे ने हाथ में थाम रखा होता तो सारी कायनात उसकी मुट्ठी में होती थी, और जब मौसम ठंडा होता था माँ उसको अपने चारों ओर लपेटकर ठंड से बचने की कोशिश करती रहती थी। पल्लू एप्रन का काम भी करता था। पल्लू का उपयोग पेड़ों से गिरने वाले जामुन और मीठे सुगंधित फूलों को लाने के लिए भी किया जाता था। पल्लू घर में रखे सामान से धूल हटाने में भी बहुत सहायक होता था। पल्लू में गांठ लगाकर माँ एक चलता फिरता बैंक या तिजोरी रखती थी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कभी कभी उस बैंक से कुछ पैसे भी मिल जाते थे। मुझे नहीं लगता कि विज्ञान इतनी तरक्की करने के बाद भी पल्लू का विकल्प ढूंढ पाया है। पल्लू कुछ और नहीं बल्कि एक जादुई एहसास है, और अपनी माँ के प्यार और स्नेह को हमेशा महसूस करते हैं, जो कि आज की पीढ़ियों की समझ से शायद गायब है। दोस्तों, अगर मेरी द्वारा बताई गई कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।